तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। आप चादर चढ़ा दोगे। इसका क्या अर्थ है कि आदमी पैदल नहीं चले और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से सांसद हैं, बड़ा जबरदस्त काम किया है, लग भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता काम कर रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी और दौड़ा दिया। अब कहीं सांसद काम नहीं करते फिर कहते हैं, अब करते हैं तो फिर ये होता कि अधिकारी नहीं सुनते। काम क्या कर रहे थे वो देख लीजिए, मजार को तोड़वाने के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंची थी, कितना भारी काम करने पहुंची थी, चला नहीं जाता, बताया जाता बीमार हैं, फिर अचानक कुर्सी पे बैठी दिखती हैं, कभी पैदल चलती नजर आ जाती हैं। चलिए खबर सुनाता हूं आपको। मकरंद काले साहब लिखते हैं कि भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मीटिंग में कलेक्टर से उलझ गईं। बोले उलझने वाला वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, ऐसी चक्कर में उलझते हैं ये, बेरोजगारी के मसले में इनकी जबान नहीं खुलती, दही जम जाती है। वीआईपी रोड पर बनी मजार पर कहा, फुटपाथ पर हरा पोत कर चादर चढ़ाकर मजार बना दी है। कलेक्टर ने समझाया मजार पहले थी, फुटपाथ बाद में बना है। मैडम ने कहा वेरीफाई करिए। साध्वी प्रज्ञा एमपी, और भी गम है जमाने में धर्म के सिवा। बहुत सही बात है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आपको रोजगारी की बात कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, चीजें दूसरी चीज दिख गई। अब देख लीजिए ये वीडियो, ये देखें वीडियो कुछ सेकंड का है। इसमें आप देखिए प्रज्ञा ठाकुर वहाँ के जिलाधिकारी को और अपने लोगों को साथ मिलाकर जिला पंचायत भोपाल इसमें बैठे हैं वो, और उनको तमाम को आकर ऑर्डर दे रही हैं, और लग रहा है कि भारत बड़ा काम कर रहा है और भारत में प्रधानमंत्री जी के जो सहयोगी हैं बड़ा काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं देखिए, काम वीडियो देखें चल रहा है। हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे, इसका क्या अर्थ है कि आदमी पैदल नहीं चले? तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया उस स्थान। कैसी बात कर रहे हैं? वो स्थान वहाँ फुटपाथ बनने से पहले था, जब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण किया है तब उस स्थान को ऐसा फुटपाथ बनाना हुआ है। आप इसको वेरीफाई करेंगे? आप वेरीफाई करिए। आपने देख लिया वीडियो, प्रज्ञा ठाकुर कितना काम करती हुई नजर आ रही है। भोपाल की एक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हल करने के लिए वो अपना पसीना बहा रही हैं, और वहाँ के डीएम से उलझ गई और डीएम ने भी उनको जवाब दे दिया। चलिए खैर, अब ये देखिए शमशुल पाशा ये लिखते हैं, कोई हरा पोत रहा है कोई गेरुआ। बात भी सही है, उनका कहना यही तो है कि ये जो फुटपाथ पर कोई हरा पोत देता है तो मजार हो जाएगा, तोड़वाइए इसे। तो वो कह रहे हैं कि साहब कोई हरा पोत रहा है कोई गेरुआ, इसी चीज के अंदर हिंदुस्तान चल रहा है। किसी ने चौराहे पे मजार बना लिए तो किसी ने मंदिर बना लिए। अभी उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो तमाम थाने घेरे में हो गए, और अभी बनारस के अंदर दौरा था तो वहां का जो बनारस विकास प्राधिकरण है उसने क्या काम किया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सब कुछ वही नजर आना चाहिए, भगवा भगवा, वो तमाम बिल्डिंगों को भगवा करते जा रहे थे। बीच में मस्जिद पड़ी, मस्जिद सफेद रंग की थी उसको भी भगवा कर दिया। मतलब आप कपड़े भी आप अपनी नज़र से पहनाएंगे, खाना क्या खाना है अखलाक के फ्रिज के अंदर घुसना है और बताना ये नहीं खाना आपको, इसीलिए आपकी हत्या कर दी जाएगी। आपका किरण रिजिजू कहता है मैं तो बीफ खाता हूँ, उसका तो कुछ नहीं होता, वो तो प्रमोट होकर मंत्री बनते हैं, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना आपकी मर्जी से, भाषा आपकी मर्जी से, कपड़े भी आपकी मर्जी से, फिर वो अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, वो चीज़ ख़त्म है, सबको एक ही रंग में देखेंगे आप? चलिए तो ये यही बात लिख रहा है शमशुल पाशा कि कोई हरा पोत रहा है कोई गेरुआ, ऐसे तो पूरा इंडिया ही टूट जाएगा। बिल्कुल सच बात है, ऐसे लोगों से सावधान जो रंग के नाने पर लोगों को बांटे हैं, रंग के किसी कह रहे रंगों के पर लोगों को बांटे, लेकिन बांटना तो पड़ेगा साहब। वहां पर हिजाब के लिए रोक दी जाएगी, कोई भारत का ऐसा मसला नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि साहब इसकी ये बड़ी मेन प्रॉब्लम है और इसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस बात पे जबान चलाते हुए ज़्यादातर नज़र आते हैं? धर्म की बात पर। मज़ार बन गया, मंदिर बन गया, अरे हमने राम मंदिर बनवा दिया, तुमने बनवा दिया राम मंदिर या सुप्रीम कोर्ट ने बनाया? पहले तो ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट पर जो आवाज़ें उठी हैं पिछले दिनों और वहां के जज साहब को जो आपने राज्यसभा भेजा है उस पर जो उठाया, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं हमने बनवा दिया। अगर आपने बनवा दिया
तो वो तो शक जो लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर, फिर तो सही लगे थे। गोगोई साहब पर फिर तो सही नज़र बनी थी। क्या इसीलिए राज्यसभा भेजा था? और अगर सुप्रीम कोर्ट से बनाया गया है तो फिर आप जो हैं इसका क्रेडिट क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, जो आपका समय है, जो भारत के लिए ज़रूरी है, प्रधानमंत्री आपको इसलिए तो बनाया गया है, आप अपना समय निकालकर सरकारी खर्चे पर राम मंदिर का शिलान्यास करने कैसे पहुंच गए? वो समय, वो पैसा भारत के लोगों का है। आपकी आस्था होती, आप अपना छुट्टी लेते तब चले जाते, तब करते सारे काम। प्रधानमंत्री होते हुए तमाम प्रोटोकॉल के साथ ये काम करते हैं, यही काम रह गए हैं। आप दर्शकों को एक बात बताइए, देखिए सत्ता है उसी से सवाल करना पड़ेगा। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितनी बार भी आते हैं, क्या आपने संबित पात्रा को कभी इस बात पर रोते हुए देखा कि भाइयों थोड़ा रोजगार कम हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई है यार, पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, भाई माफी चाहते हैं, इस वजह से बढ़ गए, वजह बताइए। या आप कह दें कि तेल के पैसे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनियां कम होती जा रही हैं। इस बारे में अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता अगर नजर आए तो बराए करम वो लिंक, वो स्क्रीनशॉट आप मेरे इस वीडियो के नीचे जरूर डाल दीजिएगा, ताकि मुझे भी देखने का शर्फ हासिल हो जाए कि हाँ यार भारतीय जनता पार्टी का नेता परेशान है। परेशान कौन है? प्रज्ञा ठाकुर। किस बात को लेके? मजार को लेके। मरे हुए एक जमाना हो गया उसे बेचारे को, जो भी मजार में लेटा होगा उसको हटाना है। अरे हटा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम बेरोजगारी की बात तो करो, देश को आगे ले जाने की बात तो करो, महंगाई कम करने की बात तो करो। आपने अपनी सांसद निधि से क्या क्या काम कराया ये तो बताइए। वही कपड़े पहन कर आएंगी, वही नक्शेबाजी शुरू होगी, वही मुंह से धर्म की बातें निकलेंगी। अरे देश चल रहा है, मंदिर के पुजारी हैं आप लोग, आप है कौन? आप सांसद क्यों बन गए? आप जाके फिर मंदिरों में पाठ पढ़ाइए ना। कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कोई सांसद बनने जा रहा है, अरे धर्म की बात तो मंदिरों और मस्जिदों में होगी। मस्जिदें रास्ते में नमाज पढ़ते तो बंद करा दी, बहुत अच्छी बात है, लोगों को परेशानी हो रही थी, पहले हो जाना चाहिए था काम। लेकिन इस पर अपना कंधा पिटपट थपथपाने की जरूरत क्या है? कांवड़ भी ऐसी बंद कराइए, करोड़ों अरबों रुपये का खर्च हो जाता है। लेकिन हम इस बात का जवाब नहीं कह रहे आपसे, खबर बताना चाह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर की कोई ऐसी एक्टिविटी सामने नहीं आई जो मैं आपको फख्र के साथ ये बता देता कि ये वाली योजना लेकर आई हैं और इस पर डीएम से भिड़ गई या इससे मुख्यमंत्री से आवाज उठाने लगी या प्रधानमंत्री जी तक चली गई। जब आया विरोध आया, जब आया कोई ऐसी बात लेकर आई, ये कोई खबर, ये कोई बात है, ये कोई कार्य है? लेकिन प्रज्ञा ठाकुर वो उलझ गई और उन्होंने कह दिया कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। काशिफ क्या लिखते हैं वो देख लीजिए। जिस भी जब 2019 में एमपी बनी थी तब एक गरीब अपनी नाली सुधरवाने की गुजारिश लेकर पहुंचा था। जिज्जी ने, इसको जिज्जी के बोलते होंगे वहां, उसको झटक कर कहा मैं नाली ठीक करने के लिए एमपी नहीं बनी हूं। और आज 4x3 4x3 का फुट के मजार के लिए भोपाल कलेक्टर से उलझ गई। वैसे पाक साफ जगहों से सिर्फ शैतानों को ही तकलीफ होती है। ये कौन लिख रहे हैं? काशिफ ट्विटर पर लिखते हैं ये। दो, आपको नाली के लिए तो आपने बोल दिया एमपी महोदया कि मैं इसलिए बनी हूं, और यहां पर आप, क्योंकि यहां पर आपको लग रहा था नहीं, हिंदू जमात को ये पता चल जाएगा मैं कितनी जबरदस्त धार्मिक हूं, आप अगर सुरक्षित हैं, धर्म अगर सुरक्षित है, तो मेरे और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस के तत्वाध्वान में ही सुरक्षित हैं। 2014 से पहले हिंदुइज्म मंदिर ये कोई सुरक्षित नहीं था, है? जब से आप लोग आए हैं तब से कुछ सुरक्षित नहीं रहा। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।